देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम सूरादेही में एक किसान की खड़ी फसल में अज्ञात लोगों द्वारा रासायनिक दवा डाल दी गई, जिससे किसान की लगभग 2 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। घटना की शिकायत किसान द्वारा देवरी थाने में दर्ज कराई गई है। सूरादेही निवासी किसान कलू सहलोदी के खेत में अज्ञात लोगों द्वारा रासायनिक दवा डाल दी गई, जिससे किसान की करीब 2 एकड़ में लगी चना की फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद किसान ने देवरी थाने में एक आवेदन दिया है। किसान के मुताबिक ग्राम सूरादेही में करीब 9 एकड़ खेती बटाई पर ली थी, जिसमें 6 एकड़ में चना की फसल बोई गई थी। बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा खेत में रासायनिक दवा डाल दी गई, जिससे करीब 2 एकड़ खेत में लगा चना सूख गया। वहीं इस मामले में देवरी पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। SGN न्यूज के लिए देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट। दवाई डाल रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आए आप? सूरादेही से। सूरादेही से कब की बात है? ये शुक्रवार की है, 17 तारीख। चना में दाल दी? चनों में। चनों में। कितने एकड़ की चना खराब हो गई? लगभग 2 एकड़ से ज्यादा। जल गए? हाँ, सूख गए, सफेद आ गया। अच्छा, कौन सी दवाई डाली होगी? क्या ये नहीं मालूम, कोई कचड़ा की है बात? जोन सी भी 200 रुपये ऊपर का नुकसान है। 2 एकड़। अब फसल, अब चना की, अब सब कुछ लगा ली, कितने निकल गई? 2 एकड़ में।